दोस्तों, कोरोना ने एक बार फिर से अपना कहर बरसाना शुरू कर दिया है। बॉलीवुड इंडस्ट्री के बड़े सेलेब्स एक के बाद एक कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। कुछ दिनों पहले ही करीना कपूर भी कोरोना के चपेट में आ गई थी और अब बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता प्रेम चोपड़ा और उनकी वाइफ भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती भी करा दिया गया है। प्रेम चोपड़ा और उनकी वाइफ मुंबई के लीलावती अस्पताल में एडमिट हैं। दोनों का इलाज डॉक्टर जलील पाकर की निगरानी में हो रहा है। खबरों के मुताबिक प्रेम चोपड़ा और उनकी वाइफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कॉकटेल ले चुके हैं और उनकी सेहत में सुधार हो रहा है। बताया जा रहा है कि 86 साल के प्रेम चोपड़ा की बॉडी पर ट्रीटमेंट काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रही है। सेहत में सुधार होता देखकर उम्मीद है कि एक या दो दिन में उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। प्रेम चोपड़ा से पहले बीते दिन बॉलीवुड के हैंडसम हंक एक्टर जॉन अब्राहिम और उनकी वाइफ प्रिया की कोरोना पॉजिटिव होने की खबरें सामने आई थी। जॉन अब्राहिम ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर एक पोस्ट शेयर करके अपने और अपनी वाइफ के कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी दी थी। जॉन ने अपनी पोस्ट में लिखा था, मैं 3 दिन पहले एक शख्स से मिला था, बाद में मुझे पता चला कि उसे कोरोना है। प्रिया और मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, हम घर में ही क्वारंटाइन हो रहे हैं और किसी के भी कॉन्टैक्ट में नहीं आए हैं। हम दोनों को वैक्सीन लग चुकी है, हम हल्के सिस्टम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। प्लीज़ सभी हेल्दी रहें और मास्क लगाएं। तो दोस्तों, आप प्रेम चोपड़ा और उनकी पत्नी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।